चैप्टर टू के अंदर आज हम लोग एक नए सिस्टम को स्टार्ट या न्यू टॉपिक ले रहे हैं, और जो न्यू टॉपिक है या न्यू जो सिस्टम के अपन स्टडी करेंगे, दिस सिस्टम इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने चैप्टर टू के अंदर ही कर रहे अपन ये सब पूरा टॉपिक। तो यहाँ देखिएगा, ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, अब आपको पता है कि ब्लड यानी सर्कुलेशन का मीन्स क्या होता है, यानी कि अपनी जो बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स होंगे उनका जो ट्रांसपोर्ट होगा, उन ट्रांसपोर्ट के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, सर्कुलेशन वर्ड। यानी सर्कुलेटरी वर्ड किससे बना है? सर्कुलेशन से बना है। किससे बना है? सर्कुलेशन से बना हुआ है। अब मैनी ऑर्गन्स या मैनी फॉर्म आर कंबाइन टू फॉर्म द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपन स्टडी देखिए, या फिर आप बता सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपनी स्टडी किस किस की करेंगे? ब्लड की करेंगे, ठीक है, हार्ट की करेंगे, ब्लड वेसल्स लेंगे, ब्लड वेसल्स की स्टडी करेंगे, और एक ब्लड के लाइक ही लिम्फ फ्लूड होता है उसकी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो अब देखिए, अगर अपन ह्यूमन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है या फिर चैप्टर चल रहा है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन से रिलेटेड ही है। तो ह्यूमन के अंदर विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन द ह्यूमन, तो आंसर हो जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मीन्स क्या होगा कि जो ब्लड है वो ब्लड जो होगा वो वेसल्स के अंदर क्या होता है? फ्लो होता है। तो ब्लड जब वेसल्स के अंदर फ्लो होता है तब अपन क्या बोलते हैं उसको? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से है, आप याद रखोगे कि ह्यूमन के अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब आप समझ ही गए, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनादर फॉर्म इज नोन एज द सर्कुलेशन। सर्कुलेट यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। मेन पार्ट क्या होता है? ब्लड। चलिए, तो आज अपन स्टडी करेंगे, टॉपिक लेंगे ब्लड। अब ब्लड क्या है आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखिए लिक्विड का मीन्स तो लिक्विड होता है, आपको पता है वाटर के जैसी फॉर्म होगी। और जो कनेक्टिव टिश्यू का मीन्स होते हैं, यानी मैनी सेल्स आर कंबाइन नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू, यानी बहुत सी सेल्स कंबाइन हो गई और तब वर्ड क्या बन गया? कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी स्टडी अपन ने 9th क्लास में की थी। ब्लड है, बोन्स है, कार्टिलेज है, ये सब किस में आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। अब ब्लड से बिल्कुल आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, कोई लार्ज बड़े क्वेश्चन ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ से एक बार ब्लड के टॉपिक से जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन गया कि ब्लड एक क्या है? फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके? इसकी पीएच बताएंगे अपन कि ब्लड की जो पीएच कितनी होती है, तो पीएच होती है 7.4, यानी स्लाइटली बेसिक। ये थोड़ा सा क्या होता है? बेसिक होता है, क्योंकि जो पीएच स्केल होती है उसमें 1 to 14 तक की डिजिट होती है, जिसमें 7 क्या होता है? न्यूट्रल। 7 से पहले एसिडिक मीडियम है और 7 के बाद क्या है? बेसिक मीडियम है। तो 0.4 हुआ है तो थोड़ा सा क्या होता है? स्लाइटली बेसिक मीडियम होता है। फिर बात करते हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मेरो। फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? रेड बोन मेरो के अंदर ब्लड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि एडल्ट के अंदर तो इसका किसमें हो रहा है? रेड बोन मेरो में। लेकिन जैसे फिटस है, एम्ब्रियो है, न्यू बोर्न बेबी है, वहां पे फॉर्मेशन कहाँ होगा? स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। फिर अपन बात करते हैं कि देखिए, अब आप पूछोगे कि बोन मेरो क्या है?
बेसिकली क्वेश्चन तो उन्हें क्या आपको पता ही नहीं है बोन मेरो क्या है। तो देखिए अपनी जो बोन है, ये मैं अपनी बोन बनाती हूँ ऐसे, ये बोन है अपनी, ठीक है। देखिए कौन सी बोन को छोड़ करके, अपने आर्म्स की बोन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बोन, और साथ में अपनी जो ये वाली बोन है, पैर वाली जो बोन्स होती है ना, इनको छोड़ करके जो अदर बोन्स होगी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके ऐसे बोन्स के अंदर एक कैविटी होगी, और कैविटी के अंदर क्या फिल रहता है, फ्लूड भरा हुआ रहता है, उस फ्लूड को क्या बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बोन मेरो, और बोन मेरो ही क्या है, रेड बोन मेरो है। क्लियर होगी ना बात आपकी, कि बोन्स के अंदर कैविटी में जो फ्लूड भरा हुआ रहता है, उस फ्लूड को क्या बोला जाता है, बोन मेरो बोला जाता है। चलिए अब आप पूछोगे कि बोन मेरो तो हमें पता चल गया, ये स्प्लीन कहाँ होती है, ठीक है। तो स्प्लीन देखिए आप एक बार, जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक के यहाँ पर राइट सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर एक स्ट्रक्चर लगी हुई रहती है, उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्प्लीन बोलते हैं। आरबीसी का जब ब्रेकडाउन हो जाता है, डेड आरबीसी, वो भी यहीं पे आके क्या होती है, कलेक्ट होती है। क्लियर इतनी बात, चलिए। यानी पीएच की फॉर्मेशन कहाँ है, रेड बोन मेरो या स्प्लीन के अंदर। पीएच कितनी है, 7.4 इसकी पीएच होती है। चलिए फिर उसके बाद में अपन बताते हैं कि एक हेल्थी पर्सन के अंदर ब्लड की अमाउंट कितनी है, तो आप बताओगे 5 लीटर। हेल्थी पर्सन के अंदर ब्लड की अमाउंट कितनी होती है, 5 लीटर होती है ब्लड की अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई सब लोगों के, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें अपन ने याद की है। ब्लड का क्या रोल होता है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट इन ऑल पार्ट ऑफ द, इन सब का ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, यानी जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, डाइजेस्टिव फूड का ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट फूड का ट्रांसपोर्ट करना। जैसे देखिए कल वाली क्लास के अंदर हमने यूरिन फॉर्मेशन की बात की थी, कि हमने बताया था कि लीवर के अंदर जो यूरिया बन रहा है वो वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है, तो उसको कैरी कौन कर रहा है, ब्लड के साथ ही तो आएगा ना, कि यूरिया कंटेनिंग ब्लड, तो यूरिया किसके साथ कंटेनिंग हुआ है, ब्लड के साथ में कंटेनिंग हुआ है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात, चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। क्या टॉपिक लेंगे, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड के कंपोनेंट है टू, ठीक है। एक कंपोनेंट को तो बोलते हैं लिक्विड कंपोनेंट, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बना दो थोड़ा सा। एक कंपोनेंट तो क्या हो गया, लिक्विड कंपोनेंट हो जाता है, और एक कंपोनेंट क्या हो गया, सॉलिड कंपोनेंट हो गया। लिक्विड कंपोनेंट को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या हो गया ये, प्लाज्मा। अब देखिए जो प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% बनाता है। प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट बना रहा है, यानी ब्लड का 55% पार्ट किसका बनता है, प्लाज्मा का बना होता है। अभी 55% में भी 92% तो है वॉटर, ठीक है, और 8% क्या होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कुछ बुक्स में ध्यान में रखिएगा, या 90% है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10%। ऑब्वियसली आपको पता है ये बात। जो प्लाज्मा जो होगा वो कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट स्टिकी येलो विस फ्लूड। ट्रांसलूसेंट स्टिकी येलो विस फ्लूड इज नोन एज द प्लाज्मा। प्लाज्मा इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, डाइजेस्टिव जूसेस, हार्मोन्स एक्सेट्रा। क्लियर,
कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हटा दे ये वाली बात, चलिए अब उसके बाद में बात करते हैं अपन सॉलिड। सॉलिड जो रीजन है उसके अंदर क्या आएगी आपको सबको पता है, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पल्सेस भी बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोल दो या ब्लड कॉर्पल्सेस बोल दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी आपके। चलिए अब जो ब्लड सेल्स है उस वो सॉलिड पोर्शन होता है ब्लड का, जिसके अंदर एक अपन स्टडी करते हैं किसकी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, सेकंड है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड क्या हो जाएगी प्लेटलेट्स, क्या हो जाएगी प्लेटलेट्स। आरबीसी का अदर नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, क्या होगा इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या होगा थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर हो गया। चलिए अब अपन किसकी स्टडी करेंगे, इन दोनों को बाद में स्टडी करेंगे, आज की क्लास में अपन आरबीसी की स्टडी। बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है आरबीसी से रिलेटेड, तो मैं पूरा रफ कर देती हूँ। चलिए अब अपन बात किसकी करेंगे, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए आरबीसी है, सबसे पहले तो अपन इसकी शेप बताते हैं कि जो आरबीसी है उसकी शेप कितनी है, कितनी होगी ओवेल शेप। ठीक है, कैसे बना दी मैंने, ओ द शेप इज द ओवेल शेप। द मेमल्स मेच्योर आरबीसी इज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, मतलब अपनी बात हो रही है ना अपन, वैसे बात तो सभी मेमल्स की है लेकिन स्पेशली अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो ह्यूमन की कर रहे हैं, तो ह्यूमन की जो आरबीसी है या जो मेमल्स की आरबीसी है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो द ह्यूमन आरबीसी एंड द मेमल्स मेच्योर आरबीसी इज नॉट कंटेन द न्यूक्लियस, क्या नहीं होता उसमें, ध्यान रखना मेमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बट टू मेमल्स ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, कौन से, कैमल और यम्मा। ठीक है, कैमल के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। मेमल्स बोलते किसको है, यानी उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं जो अपने बेबी को मिल्क फीड करवाते हैं, टू फीड द मिल्क। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मेमल्स बोलते हैं, जिनमें मेमेरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, इनकी आरबीसी में, यानी आरबीसी में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर हो गया। बट आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है, द आरबीसी कंटेन ए प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज नोन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो ध्यान में रखना ये बात कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, हीमोग्लोबिन। कौन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी कंटेन ए प्रोटीन, आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, और जो क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। जो आरबीसी है, अब ये हीमोग्लोबिन प्रोवाइड द रेड कलर, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड द रेड कलर ऑफ ब्लड, ये ब्लड को क्या देता है, रेड कलर देता है। एंड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने वाली सेल्स तो कौन सी है, आरबीसी हो जाएगी। और आरबीसी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आरबीसी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन विच पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, क्लियर, वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं लाइफ डेट ऑफ द आरबीसी, तो 120 डेज, आरबीसी की लाइफ डेट कितनी होती है, 120 डेज होती है, उसके बाद में जो आरबीसी वो क्या हो जाएगी, डेस्ट्रॉय हो जाती। और डेस्ट्रॉय जो आरबीसी होती है वो कहाँ जाके कलेक्ट होती है, लीवर और स्प्लीन में जाके कलेक्ट होती है। स्प्लीन अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपसे डायग्राम के थ्रू बताया था, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते, क्या बोलते, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। तो ये टॉपिक किसका था, आरबीसी का टॉपिक था। शेप है ओवेल शेप, विदाउट न्यूक्लियस होती है, प्रोटीन कौन सा इसमें, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, लाइफ है 120 डेज। हाँ एक बात और करते हैं फॉर्मेशन की, कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो ब्लड का कहाँ हो रहा था, रेड बोन मेरो, तो ऑब्वियसली आरबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, रेड
बोन मेरो में ही होगा। कहाँ होगा? रेड बोन मेरो में ही होगा। तो आज की जो अपनी क्लास थी वो आरबीसी से रिलेटेड क्लास थी, ठीक है। और यानी कि सॉलिड पार्ट है ना, तो सॉलिड पार्ट है वो आरबीसी सॉलिड पार्ट है, जो ब्लड का 99% पार्ट है। यानी आरबीसी कितने पार्ट को कवर करती है? 99% पार्ट को कवर करती है। इतनी बात आपके सबके क्लियर हो गई। आज के क्वेश्चंस नोट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस तो आप लोग नोट करोगे। वी आर फॉर्म द ब्लड इन एडल्ट पर्सन, कि एडल्ट पर्सन में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। सेकंड क्वेश्चंस आप नोट कीजिएगा। विच टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द आरबीसी, विच टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द आरबीसी। क्लियर हो गई इतनी बात सब लोगों के? ये आपके दो क्वेश्चंस थे। अगर देखिए, अगर अपन आरबीसी का थोड़ा और देखना चाहे तो जैसे इसके नंबर देख सकते हैं अपन कि आरबीसी के नंबर कितने होते हैं। तो देखिए, जो आरबीसी जो होती है, अपन मेल और फीमेल की बात करें, किसकी बात करते हैं अपन, मेल और फीमेल की अगर अपन बात करते हैं, तो मेल के अंदर जो आरबीसी है ना, मेल के अंदर आरबीसी के नंबर 50 से 55 लाख mm³, mm³ पर mm³। फीमेल के अंदर कितने हो जाएंगे? 45 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन भी कितना होता है? नॉर्मली अगर अपन मान के चलते हैं तो 12 से 16, ठीक है। डेसीलीटर, अपन डेसीलीटर भी बोल सकते हैं इसको। अगर अपन ग्राम में लेना चाहे तो इसको किस में बता सकते हैं? ग्राम में भी बता सकते हैं। डेसीलीटर पर एमएम भी बोल सकते हैं, डेसीलीटर पर एमएम, या फिर 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, पर 100, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, ठीक है, पर 100 ml ब्लड, 12 से 16। ये आपका टॉपिक था। चलिए आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं, कमेंट्स में नहीं देने आते तो मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिए।